अब आज क्या है खास, राजस्थान के प्रमुख अभियान, जितने भी प्रमुख अभियान है वह मैं आपको आज करवा रहा हूं, तो तैयार रहना राजस्थान के प्रमुख अभियान, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा और राजस्थान के प्रमुख अभियान आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से प्रमुख अभियान है। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। पहला अनमोल जीवन अभियान। देखिए अनमोल जीवन अभियान किस जिले का है, तो यह जिला है बाड़मेर। बाड़मेर जिले के जिला कलेक्टर हैं, उनका नाम है लोक बंधु। इन लोक बंधु ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए, किसको, आत्महत्याओं को रोकने के लिए, देखिए आत्महत्या बहुत ज्यादा हो रही है, इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक जिला आता है बाड़मेर, इस बाड़मेर के द्वारा ये अनमोल जीवन अभियान की शुरुआत की गई। इसमें बताया गया कि जीवन अनमोल है, इसको आत्महत्या करके खत्म ना करें, नष्ट ना करें। अनमोल जीवन अभियान कहाँ का है, तो बाड़मेर का आएगा। दूसरा परिंडा बांधो अभियान, ये कौन से विभाग का है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये इस विभाग का अभियान है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। देखिए इसके अंदर क्या होगा, आप सबको पता है कि राजस्थान बहुत गर्मीला प्रदेश, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पर, तो यहाँ के जो पक्षी है, जीव जंतु है, उनको पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए आप क्या करो, जगह जगह परिंडा, परिंडा का मतलब समझते हो, परिंडा का मतलब होता है पानी का बर्तन, आप पानी का बर्तन रख दीजिए ताकि वह पक्षी है, जीव जंतु है, वह अपने पानी की प्यास बुझा देंगे। तो परिंडा बांधो अभियान किसका है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का, जिसके मंत्री कौन है, जिसके मंत्री आ जाएंगे टीकाराम जूली, और टीकाराम जूली हमारे जेल विभाग के भी मंत्री हैं। जेल विभाग के भी मंत्री कौन है, तो वह आ जाएंगे टीकाराम जूली। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का अभियान है परिंडा बांधो अभियान। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह किसका अभियान है, तो सिरोही जिले का अभियान है। इसमें क्या है, इसमें यह बोल रखा है कि अगर आपके घर पर अगर एक सुपोषित बेटी का जन्म होता है तो आप क्या करो, एक पौधा लगाइए सुपोषित बेटी के जन्म पर, तो सिरोही जिले का अभियान है। अब इसको कंफ्यूज मत करना, एक बार मैंने बताया था कि राज संबंध का एक गांव है जिसका नाम है पीपलात्री, और इस पीपलात्री गांव के सरपंच है जिसका नाम है श्याम सुंदर पालीवाल, और श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अभियान शुरू किया था कि अगर आपके घर पर बेटी का जन्म होता है तो 111 पौधे लगाओ। ये अभियान अलग है और ये अभियान अलग है, ये श्याम सुंदर पालीवाल का अभियान है, ठीक है, और ये किसका है, सिरोही जिले का अभियान है। श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, 2021 में पद्मश्री मिला था श्याम सुंदर पालीवाल को। चलिए अगली बात करता हूं मैं। देखो ये तीनों के तीनों अभियान किसके हैं, ये तीनों के तीनों अभियान नागौर जिले के हैं। पहला अभियान है लाडेसर अभियान, इसके अंदर क्या होगा, लाडेसर मतलब जो बालिकाएं हैं जिसके अंदर मासिक धर्म के कारण एनेमिया, खून की कमी हो जाती है, इस एनेमिया रोग की जांच करना तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, इस अभियान के आएगा। कौन सा है, लाडेसर अभियान, कौन से जिले का आ जाएगा, तो नागौर जिले का आ जाएगा। अगला उजास कार्यक्रम, ये भी किसका है, ये भी नागौर जिले का है। इसमें क्या होगा, इस उजास कार्यक्रम में कि वे सरकारी विद्यालय जो विद्युत विहीन है, मतलब जिसके अंदर अभी भी लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो विद्युत विहीन सरकारी विद्यालयों में क्या किया जाएगा, विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और ये अभियान राजस्थान में एक रोल मॉडल साबित हुआ है। जो अपन के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस उजास अभियान का हवाला देकर बाकी समस्त जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देशित किया था कि उजास कार्यक्रम की तरह आपके जिले में जो भामाशाह है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सहयोग से जो सरकारी विद्यालय विद्युत विहीन है उनको विद्युतीकृत किया जाए। विद्युत विहीन विद्यालयों को विद्युतीकृत करने के लिए नागौर जिले का अभियान है, वह उजास कार्यक्रम। रास्ता खोलो अभियान, ये भी किसका है, ये भी नागौर का है। इसके अंदर क्या होगा, रास्ता खोलो अभियान के तहत होगा कि भाई देखो गांवों में जगह जगह रास्ता ब्लॉकिंग हो जाता है जिसके कारण आम दिन में झगड़े टंटे होते रहते हैं, तो रास्ता
रास्ता खुलो अभियान, मतलब कम से कम कोई रास्ता ब्लॉक ना किया जाए जिससे किसान को अपना जो उत्पाद है, जो अपनी फसल है, वह मंडी तक लाने में किसी भी तरह की दिक्कत हो। तो इसलिए रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई नागौर जिला कलेक्टर के द्वारा। अगली बात करते हैं, आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी है भीलवाड़ा जिले का। किसका? भीलवाड़ा जिले का है आधा गिलास पानी। इसके अंदर क्या होगा? देखो, भीलवाड़ा जिले के आधा गिलास पानी में क्या होता है, आप लोग मटकी से एक गिलास पानी लेते हैं, कितना पीते हैं? आधा गिलास पिया, आधा वही रखा। आने वाला क्या करेगा? ये ले भाई, गिराया, फिर पूरा एक गिलास भरेगा, फिर आधा पिएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, उससे पानी का वेस्टेज कितना? बहुत ज्यादा। इसको रोकने के लिए आधा गिलास पानी अभियान किसका है? तो भीलवाड़ा का है। चलिए, ऑपरेशन अस्मिता, ये बूंदी जिले की है। और बूंदी जिले की जो जिला कलेक्टर है रेणु जयपाल, इस रेणु जयपाल ने इस अभियान को शुरू किया। किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने के लिए इस अस्मिता अभियान को किसने शुरू किया? तो बूंदी जिले ने शुरू किया। चलिए अगले अभियान की बात करता हूं, ऑपरेशन सर्द हवा। अरे सर्द हवा और सरहद, ये दोनों मैंने करवाए थे। क्या है? देखो भाई, राजस्थान के ये जिले कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जो जिले हैं 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। कितने की? 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। यहां पर अपना दुश्मन बैठा है भाई, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान क्या करता है? जासूसी करता रहता है, सीमा पार जासूसी करता है। तो सीमा पार जासूसी को रोकने के लिए ये दोनों अभियान है। फर्क क्या है कि ये जो सर्द हवा है यह चलाया गया है बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। लेकिन जो ऑपरेशन सरहद है यह चलाया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा। फर्क बस इतना ही है कि जो ऑपरेशन सरहद है, जो सरहद है वह चलाया राजस्थान पुलिस ने, और जो सर्द हवा है वह चलाया बीएसएफ ने। एक बात और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये बीएसएफ है ना, ये जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर ये अपना स्थापना दिवस है ना, वह दिल्ली में मनाता है। कहां मनाता है? दिल्ली में। लेकिन पहली बार इसने कसम तोड़ी है, इसने पहली बार अपना जो स्थापना दिवस है ना, वह जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में बनाया है। कहां पर बनाया है? जैसलमेर में एक पूनम सिंह स्टेडियम है। इस पूनम सिंह स्टेडियम के अंदर पहली बार अपना स्थापना दिवस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर बनाया, पहली बार बनाया है। मतलब इससे पहले अब सब अपना स्थापना दिवस कहां मनाता है? दिल्ली के अंदर मनाता था, लेकिन पहली बार इसने कसम तोड़ दी और पहली बार दिल्ली के बाहर कहां स्थापना दिवस बनाया? तो जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में इसने अपना स्थापना दिवस बनाया। बीएसएफ, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज सिंह इसके डायरेक्टर जनरल आ जाएंगे। पंकज सिंह इसके डायरेक्टर जनरल आ जाएंगे। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य कि भारत की वह सीमा जो पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ लगती है उसकी सुरक्षा करना, यह बीएसएफ का काम है। चलिए, शुद्ध केली युद्ध अभियान। देखो इसके अंदर क्या होगा, ये 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि मिलावट खोर जितने भी है ना, जो सामान में मिलावट करते हैं, मिलावट खोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, मिलावट खोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना, मिलावट खोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से यह अभियान संबंधित आ जाएगा। इसका नोडल विभाग है वह चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग इसका नोडल विभाग आ जाएगा। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि शुद्ध केली युद्ध मतलब क्या है, मिलावट खोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, तो ये कौन सा विभाग होगा? खाद्य आपूर्ति विभाग होगा, या पुलिस डिपार्टमेंट होगा, या डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होगा? नहीं, इसका जो नोडल विभाग है वह चिकित्सा विभाग, जिसके वर्तमान मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा। एक बात और बताऊं क्या, एक बात और बता देता हूं, इस बार का जो बजट है, इस बार का जो बजट है वह बजट कौन सा? 2022-23। इस बार के बजट में इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत, मतलब इसको और अधिक तीव्र गति से बढ़ाने के लिए राजस्थान में 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब क्या, वैकेंसी आने वाली है किसकी? फूड सेफ्टी ऑफिसर की, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। कितने पद है? 200 पद है, बजट में घोषणा हो रखी है। चलिए अगला, कचरा दो पौधे लो अभियान। अब कितना बढ़िया अभियान है, आप लोग कचरा ले जाकर दोगे, उसके बदले में वो भाई आपको क्या देगा? पौधे देगा। लेकिन बाजार में जाओगे तो पौधे पैसे देकर खरीदते हैं, यहां पर कचरा देने पर पौधा मिल रहा है, ये किसका अभियान है? तो देखिए, एक व्यक्ति है ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से एक व्यक्ति है जिसका नाम है विष्णु लांबा, विष्णु लांबा।
ये विष्णु लांबा है ट्री मैन ऑफ इंडिया। अब विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा किसने, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा। अब इस विष्णु लांबा की एक संस्थान है जिसका नाम है कल्पतरु संस्थान। क्या नाम है? कल्पतरु संस्थान। इस कल्पतरु संस्थान ने ये अभियान शुरू किया है। क्या है? कचरा दो पौधे लो। मतलब क्या है? कचरा दीजिए उसके जगह पर आप पौधे लीजिए। किसका अभियान है? कल्पतरु संस्थान का अभियान है। कल्पतरु संस्थान है किसकी? तो विष्णु लांबा की है। और विष्णु लांबा को क्या बोलते हैं? ट्री मैन ऑफ इंडिया। बोला किसने? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसको बोला। चलिए अगली बात करता हूं। बा बापू योजना। बा बापू योजना ये किसका है? तो देखिए, बा बापू योजना की शुरुआत हुई 6 अगस्त 2021 को। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ नहीं है बा बापू योजना में। यहां पर ये जो अभियान है वह किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। कल भी मैंने करवाया था। ये इस योजना की शुरुआत की थी साले मोहम्मद ने। और साले मोहम्मद कौन है? अपन के राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। इन्होंने शुरुआत की कहां से थी? तो जैसलमेर। इस जैसलमेर में एक ग्राम पंचायत आती है जिसका नाम है लाठी ग्राम पंचायत। लाठी ग्राम पंचायत, तो यहां से इसकी शुरुआत की। ठीक है, वृक्षारोपण से संबंधित अभियान है। ठीक है, तो ये किसका अभियान है? वृक्षारोपण से संबंधित अभियान है। कौन सा अभियान है? बा बापू योजना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। 6 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा किसका है? भाई देखो, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ। इस रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के दौरान जो विद्यार्थी है भारतीय जो यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे, तो उनकी सहायता के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया। ये किसका अभियान है? तो ये भारत सरकार का अभियान है। भारत सरकार का अभियान आ जाएगा। और ऐसा का एक ऐसा एक पोर्टल ई इंटीमेट, ये राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। एक इंटीमेट पोर्टल है, ई इंटीमेट राज्य सरकार का पोर्टल है। अगर इसमें राजस्थान का कोई नागरिक है जो यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, तो इस ई इंटीमेट पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकता है। कौन सा है? ई इंटीमेट पोर्टल राज्य सरकार का पोर्टल है। क्लियर है? देखो, चीजें अगर समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करना। ये सारे के सारे अभियान सारे के सारे महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। ऑपरेशन आहट, ये आरपीएफ का है। आरपीएफ, आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या किया? मानव तस्करी को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। मानव तस्करी को रोकने के लिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, मतलब रेलवे सुरक्षा बल, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, ऑपरेशन आहट। और ऑपरेशन अमानत, ये भी रेलवे का अभियान है। इसके अंदर क्या होगा? अगर आप लोग क्या कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपका सामान कहीं गुम हो गया, तो आप इसकी रिपोर्ट इस अमानत पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन अमानत। खोई हुई चीजों के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। खोई हुई चीजों की रिपोर्टिंग के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। अगला, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ध्यान से समझना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए यह अभियान किया गया। यह अभियान है किसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका अभियान है। और इस अभियान के तहत जो अपन का बूंदी जिला है ना भाई, जो बूंदी जिला, इस बूंदी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? अभियान तो किसका है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। जल्दी से इसके अध्यक्ष मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। और ये इस अभियान के तहत जो बूंदी जिला है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ये देखिए, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान पहले नागौर और अलवर में शुरू किया गया था। कहां पर? नागौर और अलवर में शुरू हुआ था। उसके बाद अब ये कहां पर शुरू हुआ है? जयपुर में शुरू हुआ है। इसके अंदर क्या होगा? जो 14 वर्ष की बालिकाएं हैं ना, उनको गुड टच, बैड टच, मासिक धर्म चक्र, इन सब के बारे में जानकारियां दी जाएगी। क्योंकि वो बालिकाएं ऐसी होती है जो अपने भाव किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती, उनको ओपन बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। वह है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। कौन है? प्रियंका कानूनगो, ये इसके अध्यक्ष आ जाएंगे। अगर बात करूं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है?
किसके, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लिख के बताइए कौन है कमेंट बॉक्स में। चलिए मुंह बंद रखो अभियान क्या होता है इसके अंदर, भाई आपके पास एक मैसेज आता है कि आप इस लिंक को टच करके 2 लाख रुपए जीतेंगे, तो आपने टच किया और आपके खाते में जो 200 रुपए थे वह भी साफ हो गए। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, किससे, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। और यह कौन से बैंक का है, HDFC बैंक का है, और कहां से शुरू किया था, तो जोधपुर जिला है वहां से इसको शुरू किया था मुंह बंद रखो अभियान। ठीक है चलिए शक्ति अभियान, ये शक्ति अभियान कहां का है, ये शक्ति अभियान बीकानेर का है, महिला सुरक्षा से संबंधित है, महिला सुरक्षा से संबंधित है, और एनीमिया रोग से महिलाओं की मुक्ति करने से इस अभियान का संबंध है। कौन सा है, शक्ति अभियान, शक्ति अभियान है ये, बात ध्यान रखना कौन सा, बीकानेर जिले का। अरे रेहाना रियाज है ना, वह राज्य महिला आयोग उसकी अध्यक्ष है। मैंने पूछा है आपको राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, संगीता बेनीवाल। ध्यान रखना महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, संगीता बेनीवाल। ठीक है चलिए अगली बात करता हूं, अगला अभियान है परिवर्तन प्रोजेक्ट, ये भी एक बैंक का है और उस बैंक का नाम है HDFC बैंक, और इस बैंक ने क्या किया है, जो सरकारी 29 स्कूल है, कितने, जो सरकारी 29 स्कूल है यहां पर डिजिटल बोर्ड दिए हैं, कितने 29 डिजिटल बोर्ड दिए हैं, मतलब जिस तरह से आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, ये सरकारी स्कूल के विद्यार्थी इस तरह से पढ़ते हैं, 29 सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड दिए गए HDFC बैंक के द्वारा। अगला इन्वॉल्वमेंट कॉर्नर, ये क्या है, देखिए प्रशासन ने मतलब जो अपन का राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार ने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। क्या है, एनवायरमेंट कॉर्नर, प्रशासन के सहयोग से शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है एनवायरमेंट कॉर्नर की। चलिए अगली बात करता हूं, प्रगति की रोशनी, ये प्रगति की रोशनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अभियान है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक का अभियान है। इसके अंदर क्या होगा, आपने एक अभियान सुना होगा वोकल फॉर लोकल, सुना है कि नहीं सुना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के तहत जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उन छोटे व्यापारियों को, उन छोटे व्यापारियों की सहायता करने के लिए, उनके आमदनी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रगति की रोशनी अभियान की शुरुआत की गई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। बताओ सारे के सारे अभियान मैंने करवाए, जितने भी अभियान अभी करंट में थे 24 अभियान थे, सारे के सारे 24 अभियान मैंने आपको करवा दिए। अब इसमें से एक दो विद्यार्थी कोई कमेंट कर रहे थे कि सर हम आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, आप हमारे सवाल, अब आप सवाल पूछिए कि अब आपके सवाल क्या है बताइएगा। अगर आपके सवाल में कोई दिक्कत हो तो मैं रोज कमेंट देखता हूं, कल मैंने कमेंट देखे थे संविधान पार्क में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था, तो मैंने वह भी क्लियर कर दिया कि देश का पहला संविधान पार्क मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में बन रहा है, संविधान पार्क राजभवन जयपुर में भी बन रहा है, लेकिन वह देश का पहला नहीं है। ठीक है भाई, तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखना। ठीक है चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आए, कहीं फैक्ट ऊपर नीचे हो रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियरिफाई कर दूंगा। बताना क्लास कैसी लगी, और बताइए अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। ये चीजें सारी के सारी चीजें जो मैंने बताई है अभियान, सारे के सारे याद कर लेना, ये सारे के सारे अभियान ऐसे के ऐसे एग्जाम में छपेंगे, और आपको यहां से नंबर क्लियर करने हैं, जितने नंबर हो सके एग्जामिनर से निकालो, जितना पढ़ोगे उतना आराम से नंबर क्लियर करेगा। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि सागर जितना पढ़ लीजिए, नदियों जितना आएगा, आप लोग आराम से पेपर में अटेंड करेंगे। अपन पढ़ेंगे नदियों जितना और पेपर में आएगा सागर जितना, तो सिलेक्शन होना नहीं है। पढ़िए सागर जितना, पेपर में आएगा नदियों जितना। ठीक है चलिए, आज की क्लास अपना यहीं तक रखते हैं। चलिए और कोई दिक्कत हो तो आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट मैं खुद देखता हूं, तो उस पर जो भी डाउट होगा वह सब अपन क्लेरिफाई करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं आने वाली क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ। खाते रहिए, पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए।